कढ़ी तो आराम से जब पकती ना धीरे धीरे आंच में तो बहुत ही टेस्टी बनती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोपहर के 1:30 बज गए हैं और मैं अब जा रही हूँ रात के डिनर की व्यवस्था करने, क्योंकि मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया था। आज है संडे, लेकिन इसके बाद भी इनको ऑफिस जाना पड़ा तो कुछ काम चल रहा है, तो आज सुबह 8:30 बजे ही निकल गए थे। आज सुबह मैंने बनाया था आलू बैंगन और मटर की सब्जी और पराठे, तो नाश्ता भी कर लिए और टिफ़िन भी ले गए हैं, और मैंने भी सुबह यही ब्रेकफास्ट कर लिया। ये दही रखा हुआ है तो सोच रही हूँ कढ़ी बना लूँ। खुशबू तो अच्छी है, मतलब खट्टी सी नहीं लग रही है, तो ज़्यादा खट्टी दही की हम लोगों को कढ़ी अच्छी नहीं लगती। यहाँ मैंने सारी तैयारी कर ली है, तो चलिए जल्दी से बना लेती हूँ कढ़ी, और आप भी देखिएगा कि मैं कढ़ी कैसे बनाती हूँ। सबके अपने अपने कढ़ी बनाने का अलग अलग तरीका है, तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि जैसे मैं कढ़ी बनाती हूँ कुछ वैसा बनाते हैं या कुछ और आप इंग्रेडिएंट डालते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा, जिससे मैं भी और भी जगह की कढ़ी बना सकूं, क्योंकि मुझे सिर्फ यही वाली कढ़ी आती है। बहुत सारे लोग गुजराती कढ़ी, महाराष्ट्रियन कढ़ी सब बनाते हैं, तो प्लीज़ अगर मेरा आप लोग ब्लॉग देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ वो कढ़ी में ऐसा क्या चीज़ डालते हैं जिससे उसका फ्लेवर एक अलग ही हो जाता है। ये मैंने बेसन को पहले से ही घोल दिया है, अभी तो गाढ़ा है, इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, और जब इसमें प्याज हरी मिर्च और ये धनिया पत्ती सब डाल देंगे ना तो थोड़ा ये बेसन पतला हो जाएगा, तो इसमें मैं ये डालूंगी। और ये तो बघार के लिए मैंने रखा हुआ है लहसुन और हरी मिर्च, और मैं इससे तड़का लगाऊंगी। ये है राई, सफ़ेद तिल और हींग। मैं सबसे पहले बघार लगा दूंगी जिससे कढ़ी धीमी आँच में पकती रहे, उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी भजिया दूसरी कढ़ाई में। दही को अच्छे से फेंट लेंगे। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा बेसन, जो घोला था भजिया के लिए वही बेसन मैं डाल रही हूँ। इस पर थोड़ा सा और पानी डाल देंगे, बहुत गाढ़ा था बेसन। सबसे पहले डालेंगे हल्दी, भुना जीरा, थोड़ी सी धनिया पाउडर, एवरेस्ट का मैं गरम मसाला डाल रही हूँ, आप कोई सा भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, लास्ट में डालेंगे नमक। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो गया है, इसमें थोड़ा सा और पानी डाल लेते हैं, अभी तो पानी और लगेगा। मैं कढ़ी बघारूंगी सरसों के तेल से, ये अच्छे से गर्म हो जाए। सरसों का तेल बहुत अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद ही बघार लगाएंगे, नहीं तो सरसों के तेल की स्मेल बहुत आती है खाने में, तो ये धुआं निकलने लगा है। अब मैं बघार लगाऊंगी सफ़ेद तिल, राई और हींग से। इसमें डाल देंगे लहसुन और हरी मिर्च, लहसुन बहुत अच्छे से भून जाने देंगे। इसमें डाल देंगे दही, सारे मसाले इसमें मिक्स हैं, पानी और डालेंगे, इसको पहले मिक्स कर लेते हैं। बेसन पड़ा है इसमें तो पानी सोखेगा अभी बेसन, इसलिए पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेंगे। अभी मैंने इंडक्शन को तेज किया हुआ है, जब कढ़ी में उबाल आने लगेगा तब इंडक्शन धीमा कर लूँगी, तो धीमी आंच में ये पकता रहेगा। ये कढ़ी पकने लगी है, अब इसको धीमा कर देते हैं। गैस में बना लेती हूँ भजिया। इसमें मैं मिला लूँगी हरा धनिया, प्याज और हरी मिर्च, इसको हाथ से करना पड़ेगा, और इसमें डाल देंगे नमक। बहुत हल्का सा पानी डालेंगे, अच्छे से फेंट लेंगे। अब बेसन ठीक हो गया, ना ज़्यादा पतला है और ना ज़्यादा गाढ़ा। अभी मैंने गैस को धीमा कर लिया है, नहीं तो एकदम से हाथ में बहुत तेज़ से आंच लगती है। जब पूरी भजिया डाल देंगे तब गैस को थोड़ा सा तेज कर लेंगे। कढ़ी भी धीमी धीमी आंच में पक रही है, भजिया अच्छे से फ्राई हो गई है, इसको निकाल लेते हैं। ये पूरी भजिया रेडी हो गई है, अब इसमें भजिया डाल देंगे। किनारे किनारे ऐसे मलाई जमने लगती है,
नई कढ़ी पक रही है। भजिया पूरा अंदर तक कढ़ी को सोख लेगा। कढ़ी तो आराम से जब पकती ना धीरे धीरे आंच में तो बहुत ही टेस्टी बनती है। इस तरह कढ़ी पकने लगे ना, इसका मतलब कि कढ़ी अब पक चुकी है। तो अब इसको हम बंद कर देते हैं, तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। कभी ठंडी होगी तो और गाढ़ी होगी।